दोस्तों पूरे 90 वर्षों के बाद 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी। और आप सभी को पता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं और भगवान विष्णु के उठते ही माता लक्ष्मी भी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। और इसी समय 4 ऐसी राशियां हैं, 12 में से 4 ऐसी राशियां होंगी जिनके भाग्य में एकदम लॉटरी लगना ही आपको समझ लेना है। यानी कि अगर आपकी राशि भी इन 4 राशियों में शामिल है तो आप मानकर चलिए कि आपके भाग्य का ताला अब खुलने जा रहा है। इस देव उठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी के योग बनने जा रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर के अंदर पधारेंगे और सदा सदा के लिए आपके साथ हो जाएंगे और आशीर्वाद स्वरूप हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगे। तो कौन सी है वो 4 राशियां जिनके दुख दर्द और कष्ट अब मिटने वाले हैं और अब इन 4 राशियों वाले के जीवन में आने वाली है माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों खुशनसीब होंगी ये भाग्यशाली 4 राशियां। तो कौन कौन सी है, 23 नवम्बर को पड़ने जा रही है एकादशी देव उठनी एकादशी और ये महालक्ष्मी योग दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है और लॉटरी लगना बिल्कुल एकदम कंफर्म है। 4 राशियां बिल्कुल मालामाल हो जाएंगी। स्वयं विधाता भी इन 4 राशि वालों को इस दिन मालामाल होने से रोक नहीं पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा, क्योंकि आपकी राशि की जो चीज है वो कहीं मिस ना हो जाए। और अगर आपने इस उपाय को किया, यानी कि वैसे तो आपकी राशि में वैसे ही सब कुछ शुभ होगा, लेकिन 1 से 2 उपाय भी आपको बताऊंगी जिसकी करने वजह से आपके जो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, यानी किस्मत ऐसी जो है आपकी उछाल मारेगी, जिस काम में हाथ डालेंगे वही आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, गलती से ये वीडियो आपसे टकरा गई है, तो तुरंत ही हमारे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज ही अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज त्योहार व्रत धर्म से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी जन साधारण भाषा में बताई जाती है। तो दोस्तों ऐसा संयोग जो कि 4 राशियों को बदलाव लेकर आ रहा है कभी कभी ही आपको मिलता है, जिसमें माता लक्ष्मी योग निद्रा की वजह से अपने पति से वापस मिलती है यानी कि भगवान नारायण से मिलती है। तो राशियों के ऊपर तो इनका असर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। दोस्तों इन 4 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी की अपार खुशियां इनको प्राप्त होगी। दोस्तों जिन 4 राशि वालों की मैं बात कर रही हूं, जिन पर कृपा होने वाली है, उन 4 राशियों की भाग्य की जो राशियां हैं उनमें सबसे पहली जो लकी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को बता दे कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों आपके लिए एक समय अद्भुत शुभ होने वाला है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन प्राप्त भी करेंगे, साथ ही साथ धन संबंधी अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस देव उठनी एकादशी के बाद आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का सामना आप डट कर सकेंगे, साथ ही अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में इतनी तेजी से सुधार होगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हमने ऐसा किया क्या। आपके जीवन में सुखमय ही सुखमय चीजें होंगी, साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा भी होगा, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करने वाले हैं, नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय आपको मिलने वाली है। कन्या राशि वालों से मैं कहना चाहूंगी कि आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आएगा, तो आपको भूल से भी माता लक्ष्मी का निरादर नहीं करना है। जिन भी वस्तुओं में माता लक्ष्मी का वास होता है, जैसे कि झाड़ू, आपके घर की महिलाएं, आपके घर की बेटी पत्नी, कोई भी स्वरूप में जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, या फिर मुद्रा पैसे रुपए, किसी का भी आपको बहिष्कार या फिर अपमान नहीं करना है, ताकि आपके जीवन में खुशलता हमेशा बनी रहे। दोस्तों इसी लिस्ट में दूसरी जो राशि है वो है मेष राशि। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपकी कुंडली यानी कि मेष राशि में जबरदस्त महालक्ष्मी के योग बन रहे हैं। ये संयोग कभी कभी ही होता है और जिसके कारण आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस समय बहुत ही उत्तम चीजों को लेकर आ रहा है और आपके जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके जीवन की
दशा को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी नहीं आने देगा। और आपकी किस्मत में अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह लाभ ही लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों, आपको अगर व्यापार देखना है तो आप में व्यापार में भी आपको लाभ मिलने वाला है। जो नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सबसे उत्तम समय होता है। और आप सभी को पता है कि देव उठनी पर हर शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है, तो अगर आप नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही शुरू कर सकते हैं। आपके व्यापार में आपको दुगना और रात चौगुना तरक्की आपको प्राप्त होगी और आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी की तलाश में अगर कोई जुड़ा हुआ है, जो नौकरी की तलाश कर रहा है, मन चाही जो नौकरी है या मन चाही कोई इच्छा है, सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो वो भी वेतन वृद्धि आपकी इसमें होने वाली है और नौकरी की इच्छा है तो नौकरी लग जाएगी। साथ ही मेष राशि वालों को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अगर किसी की विवाह संबंधी कोई परेशानी है तो वो भी बिल्कुल ही दूर होगी और संतान प्राप्ति के जो इच्छुक है उनको भी तुरंत ही गुड न्यूज मिल जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मेष राशि पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। अगली राशि की बात करना चाहूंगी, इसी राशि में अगली है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर इतनी ज्यादा प्रसन्न है कि आपकी कुछ गलतियों को भी वो माफ कर देगी और आपके ऊपर इतनी जबरदस्त कृपा होगी जिसकी वजह से आपके घर में समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा, अधिक धन लाभ होगा और आपको होने वाले कुंभ राशि के जो जातक है उनको नए काम की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो जल्द से आप इस एकादशी के बाद से शुरू कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ही सफलता मिलने वाली है, घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दे कि कुंभ राशि वाले जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा भी होने वाला है और उनके व्यापार में भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी जो सपना है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और बहुत आसानी से आपका आने वाला समय बीतने वाला है। जो कार्य आपको सालों साल से रुके हुए थे वो इस समय आपके सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। तो आपके मन में कोई दबी हुई इच्छा है तो इस समय आप चाहे तो पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का जबरदस्त आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। यूं कहें कि आपकी जल्द ही जल्द लॉटरी लगने वाली है। अब अगली राशि की बात करूंगी, अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जो जातक है उनके जीवन में भी इसी प्रकार से उन्नति देखने को उनको मिलेगी, यानी कि जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वही तरक्की होगी। इस समय आपको थोड़ा सा बचाव की जरूरत ये होगी कि आप थोड़े से वाहन को संभाल करके चलाएं, लेकिन बाकी हर जगह से माता लक्ष्मी आपकी राशि पर तुरंत प्रभाव, यानी कि पूरा फोकस माता लक्ष्मी का आपकी राशि पर होने वाला है। आप जिस कार्य में मुद्रा स्वरूप कहीं पर अगर आपने पैसा उधार दिया हुआ है तो वो पैसा आपका वापस लौट कर आ जाएगा, कर्ज कहीं चढ़ा हुआ है तो कर्ज उतर जाएगा। कोई नया व्यापार, कोई नौकरी या कुछ भी आप नया कार्य इस समय शुरू करते हैं तो उसमें बिल्कुल ही आपको तरक्की मिलेगी। संतान और पत्नी की तरफ से या फिर पति की तरफ से आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इन चार राशि वाले जो जातक हैं उनको पूरी तरीके से बातें समझ में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी की 8 राशियां हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा, उन पर भी अच्छा असर पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा इनसे कम पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखकर भेजिए, वहां पर मैं आपकी राशि के अनुसार भी अलग से उपाय जरूर बता दूंगी। तो मुझे उम्मीद है मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। मार्गदर्शन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।